बहन राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक ही हूँ। एंड आज राधा अष्टमी की आप सबको बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। एंड आप लोग लाला जी और राधा रानी के अगर घर में रखे हैं, घर में पूजा कर रहे हैं, आप उनकी किसी भी रूप में पूजा कर रहे हैं, तो सदैव वो आपके साथ हैं। दुख है जीवन में क्योंकि वो हमारे कर्मों का फल होता है, तो जो दुख हमको मिलते हैं वो हमको भोगना होता है। इसीलिए जीवन में एक चीज़ से सदैव डरें, बुरे कर्म करने से। अगर आप बुरे कर्म करते हो तो उसका हर जाना इंसान को भुगतना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं मानती हूँ कि आपके कर्म ही आपके आड़े आते हैं। आप जो भी करते हो आपके कर्म के अकॉर्डिंग ही आपको मिलता है। ये तो हो गई बात। अब दूसरी बात ये है कि बहुत दिनों से मैंने अपने बारे में आप लोगों से कोई बात नहीं की, बस मैं मेडिकली जो आपको बताना था वो बता रही थी। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे लिए आ रहे थे कि दीदी आपकी हेल्थ के बारे में आपने कोई अपडेट नहीं दी है। तो गाइज मेरा जो अभी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है, तो मैं क्या ही अपडेट देती इसमें आपको। तो कॉम्प्लिकेशन ये चल रही है कि ये जो 3 महीने की मेरी जर्नी रही है गाइज, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रही है मेरे लिए। ये अलग बात है कि मैं दिखाती नहीं हूँ लोगों को, या मुझे हर चीज़ पे रोने की आदत नहीं है, और मैं सोशल मीडिया पे ना कभी भी अपना तकलीफ़ नहीं डालती हूँ। मुझे अच्छी चीज़ें भले मैं डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ, बता देती हूँ, लेकिन मैं अपनी तकलीफ़ लोगों को नहीं बताती हूँ। मेरी तकलीफ़ सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ ही शेयर होती है मेरी, क्योंकि मुझे सी और प्रोफेशनली ये दो चीज़ों को अलग रख के चलने की आदत है। तो ये जो 3 महीने रहे हैं मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ी। आप सबको पता है कि मुझे डायबिटिक है, तो डायबिटिक की वजह से मेरे साथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहे हैं ये 3 महीने में। मतलब ऐसा रहा है कि मुझे इंसुलिन पे रहना पड़ा है, और जो नॉर्मली आपको प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स होती है वो तो होती ही होती है, तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस तो मैं झेल ही रही थी। लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम और तब हो गई जब मेरा सेकंड अल्ट्रासाउंड हुआ। सेकंड अल्ट्रासाउंड में गाइस जो बेबी की ग्रोथ है वो बिल्कुल भी नहीं दिख रही है डॉक्टर को। उनका कहना है कि बेबी की ग्रोथ हो नहीं रही है, और मेरा डायबिटिक लेवल भी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। एंड बीच में क्या हो रहा था ना मेरे साथ में, कि मुझे गर्दन में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इन साइड में, और ये सब पोर्शन में इस तरह का मेरे साथ में प्रॉब्लम आ रहा था, जो कि वो कहीं ना कहीं मुझे थायराइड के सिम्टम्स लग रहे थे। और भी बहुत सारे सिम्टम थे, तो थायराइड के सिम्टम लग रहे थे। तो ये मेरे लिए हो गया कि भैया एक तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम, उसमें एक और थायराइड की समस्या। तो ये भी मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो डॉक्टर ने मेरे सारे ब्लड टेस्ट वगैरह करवाया। इनफैक्ट मैं तो अभी जो ब्लड शुगर टेस्ट है वो हर 10 डेज 15 डेज में मैं करवाती हूँ, और घर पे भी मैंने सारी मशीन्स रखी है ब्लड प्रेशर से लेके सब चीज़ की। तो मैं घर में जब भी मुझे कुछ होता था ना, मैं खुद से टेस्ट कर लेती थी कि मेरा भी क्या कंडीशन चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग मतलब कॉन्सेंट्रेट में रहते थे कि नहीं कोई भी चीज़ बिगड़नी नहीं चाहिए। एंड अभी तो कुछ ऐसा हुआ कि मेरी ये 10 दिन से ना कभी ठीक लग रहा है, कभी नहीं लग रहा है, कभी ऐसा लग रहा है, मतलब ऐसा कंटिन्यू चला। उसके बाद मेरे घर में कोई डेथ कर गया, तो वो भी देखिए कहीं ना कहीं आप ना उलझते हो उन चीज़ों में, आप जितना भी। और डॉक्टर ने मुझे फर्स्ट डे से बोला हुआ था कि आजल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, स्ट्रेस लोगे तो हम आपको कुछ नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि आपकी स्थिति वैसे ही बहुत ख़राब चल रही है। तो इसीलिए मैंने कभी अपना काम नहीं छोड़ा, अपना जो काम करती थी वो मैं करती रही। एंड आप लोग मेरे रील्स वगैरह भी देखते होंगे, क्योंकि वो मेरा एक जॉब है गाइज, उसके भी मुझे अर्निंग है मेरी, क्योंकि मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, बहुत सारे ब्रांड के साथ काम करती हूँ, तो मेरा वो भी काम है। तो मैं वो सब करते रहती हूँ, जो कि जिसकी वजह से मैं बिज़ी रहती हूँ, और इसीलिए मैंने अपना कोई काम नहीं रोका। वो ऐसा काम मैं करती रही जिससे कि हाँ मतलब मेरे को भार ना पड़े और मैं इजी वे में कर पाऊँ, तो जिससे मुझे स्ट्रेस में हेल्प मिली है। और डॉक्टर ने मुझे स्ट्रेस के लिए कुछ योगा बताए हुए थे, कुछ खान पान में चेंजेस किए हुए थे, और इस तरीके से मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल करके रखा हुआ था। लेकिन अल्ट्रासाउंड के बाद में मुझे ब्लीडिंग्स चालू हो गई, और ब्लीडिंग मतलब हल्की हल्की ब्लीडिंग हुई। उसके बाद आज सुबह से मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ब्लीडिंग होनी चालू हुई। मैं आज घर पर ही थी, उसके बाद में फिर मैं आई हूँ ऑफिस, क्योंकि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लिया गया। हम लोग गए 3 बजे जाके डॉक्टर को दिखाया, और डॉक्टर को दिखाने के बाद में डॉक्टर ने कहा है कि ब्लीडिंग तो आपको हो रही है और बहुत क्रिटिकल लग रहा है। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी है कि आजकल आप मेडिसिन लो, और 1-2 दिन आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो बस मैं ऑफिस में आ गई थी और यहीं पर थी, अब मैं घर जाने ही वाली थी, आधे घंटे में निकलूँगी।
लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं कुछ आज, क्योंकि मैंने आज आप लोगों के साथ कोई बात नहीं की, तो सोचा कि चलो एक वीडियो डाल लेती हूँ जिससे कि मैं आपको अपने बारे में अपडेट दे देती हूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना वो मुझसे मेरी अपडेट मांगते हैं, पूछते हैं कि दीदी आपकी तबीयत कैसी, क्योंकि मैंने अभी बहुत दिनों से ना खुद के बारे में बात करनी बंद कर दी। क्योंकि मैंने ये फील किया है गाइस कि जब भी मैं अपने बारे में बात करती हूँ ना, लोगों को लगता है कि मतलब मैं ऐसे ही जब भी आती हूँ नेगेटिव बोलती हूँ। यार यार नेगेटिव में बोलना ही नहीं चाहती। इनफैक्ट अगर मैंने अपने कोई घर की बात कर ली तो उसमें भी लोग मुझे नसीहत देने लगते हैं। देखिए आप किसी को ना 10 मिनट के वीडियो में जज नहीं कर सकते हो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा होगा या उसकी लाइफ में क्या कॉम्प्लिकेशन है, ये आप नहीं जान सकते हो, है ना। और मैं तो चाहती हूँ कि मैं आपको हर चीज़ दिखाऊँ, हर चीज़ बात करूँ, लेकिन जब मुझे कोई इस तरह से बोलता है ना तो मुझे लगता है कि नहीं, सीमित दायरा करते हैं, जितना मुझे बताना चाहिए उतना ही बताते हैं। तो इसीलिए मैंने बहुत सारे बीच बीच में आपको मैं अपना घर, अपना गार्डन, अपना हर चीज़ दिखाती थी, लेकिन मैंने फिर धीरे धीरे बंद कर दिया उसको करना, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं, ये कुछ लोग जो होते हैं ना उनका होता है कि बस मतलब बोलना है, उनको टीज करना है, और वो टीज क्या होता है ना मेरे से होता नहीं है गाइज, ये मेरी एक प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को मैं अलग अलग रखूँ, क्योंकि ये जो वीडियोस होते हैं ना सिर्फ आप लोग नहीं देखते हो, फैमिली के लोग देखते हैं, आपके नाते रिश्तेदार लोग देखते हैं, आपके अपोजिट लोग देखते हैं, और वो लोग देखने के बाद में वो आपके ऊपर छींटाकशी का काम करते हैं। तो ये छींटाकशी वाली चीज़ें थोड़ा सा मैं से दूर रहना चाहती हूँ। एंड बहुत सारे लोगों के बोलने पर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, आज मैं अपने बारे में थोड़ा अपडेट आप लोग को दे देती हूँ। तो बस यही अपडेट है मेरा। एंड वीडियोस तो मेरी एक शूट की हुई रखी हुई है, मैं डाल दूँगी उसको कल। एंड बस यही है गाइस, इसीलिए आप लोग जो भी लोग प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, प्रेगनेंसी हो चुकी है या नहीं हो रही है, बस मैं इतना ही बोलूँगी गाइस, अपनी कोशिश करते रहिए, अपने ऊपर काम करते रहिए, और उस जो भगवान है ना उसके ऊपर विश्वास रखिए। देखिए आज मेरे साथ इतना कुछ हुआ है ना, आप लोग तो मुझे शुरू से देख रहे हैं, जो मेरी वीडियोस शुरू से देख रहे हैं वो मुझे बहुत करीब से जानते हैं, तो आप लोग मुझे देख रहे हो कि मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई हूँ, और कभी मेरे को ये भी नहीं रहा है कि ऊपर वाले ने मेरे साथ ऐसा कर दिया ऐसा कर दिया। देखो जो करना है ना वो करेगा, उसको पता है कि उसको क्या करना है, जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मेरे लिए मेरा भगवान करेगा, बस इतना ही मैं बोलती हूँ। और मैं ठाकुर जी की पूजा करती हूँ, ठाकुर जी को मैंने रखा हुआ, और आज राधा अष्टमी है, तो अगर ठाकुर जी ने मेरे लिए जो भी सोचा होगा ना मुझे मंजूर है, और मैं बस इतना जानती हूँ ना कि वो मेरे साथ गलत नहीं करेंगे, इतना मुझे है थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा नहीं बहुत भरोसा है उनके ऊपर। तो बस यही मेरा अपडेट था, और कल मैं आपको इरेगुलर पीरियड्स के ऊपर में मैंने एक वीडियो बनाया है जो मैं डालूँगी, आप लोग हो सके तो देख लीजिएगा उसको। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखिए आपके एक सब्सक्राइब से, आपके शेयर से, या आपके लाइक से, या आपके व्यू से, पैसे की तो मैटर ही नहीं आती कि मुझे बहुत पैसे मिल जाते या मैं बहुत कमा लेती हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए ना एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। नहीं तो अभी आप मेरी हालत देख रहे हैं ना, इस हालत में भी वीडियो बनाना मतलब एक बहुत टफनेस का काम है, लेकिन मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ना मेरे यहाँ बाय हार्ट जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनको मेरी फिक्र होती है, जो मुझसे पूछते हैं दीदी या क्या हो गया आपको, आप क्यों नहीं वीडियो डाल रहे हो, क्या हो गया। तो वैसे लोगों के लिए ना मैं ज़रूर आगे आती हूँ, और मुझे लगता है कि चलो यार दवाई खाते हैं, थोड़ा सा नॉर्मल होते हैं और फिर वीडियो बनाते हैं। तो बस आप जैसे लोगों के लिए ही हूँ मैं, और मेरा जो नॉलेज है, मेरा जो जानकारी है, मैं चाहती हूँ आप लोगों तक पहुँचे, ताकि आप लोग दर दर ना भटके, दर दर डॉक्टर के पास आप ना जाए, और आप अपनी लाइफ में हिम्मत को ना खोएं। हिम्मत सबसे बड़ी ताकत होती है एक औरत की, तो अपने अंदर की जो हिम्मत है, अपने अंदर की जो ताकत है, उसको बटोर के रखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरत पड़ती है एक औरत को हर एक मोड़ पर, है ना। तो चलिए गाइस, मैं तो बोलती रहूँगी तो बोलती ही रह जाऊँगी, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, और जैसा भी होगा जो भी होगा मैं आपको अपडेट दूँगी, है ना। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से, और ऐसे ही अपनी आंचल दीदी को प्यार देते रहिएगा। एंड अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते होंगे तो उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय गाइज़।